हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विथ रूबी। आज हम बनाने जा रहे हैं लेमन चटकारा चिकन फ्राई। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होता है और अंदर से उतना ही जूसी। ये खाने में जितना टेस्टी है बनाने में उतना ही आसान। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। इसके लिए हमने 750 ग्राम चिकन लिया है। हम इन सारे चिकन को कट लगा देंगे। कट हम बहुत गहरा लगाएंगे ताकि मसाले अंदर तक जा सके। ये देखिए हमने सारे चिकन में कट लगा दिया है। जो बड़े बड़े पीसेस आपके पास हैं उन सभी में आप कट लगा दीजिए। अब चलिए हम इसे मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे। ये हमारा पहला मैरिनेशन है। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमने 1/2 टीस्पून ही इसमें हमने खाने वाला रंग डाला है, मतलब फूड कलर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। हम इसमें 2 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे। हमने जहाँ जहाँ चिकन में कट लगाया है उसके अंदर हम मसालों को अच्छे से भरेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। देखिए इसी तरह से हम सारे चिकन में मसालों को अच्छे से भरेंगे। जहाँ जहाँ हमने कट्स लगाया है वहाँ मसालों को हम अच्छे से भरेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे भी कलर बहुत ही अच्छा होता है और ज़्यादा ये तीखा भी नहीं होता। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुका है, चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम 1-1 करके सारे पीसेस को इसमें डाल देंगे। देखिए यहाँ पे हमने 4 से 5 पीसेस इसमें डाले हैं। बहुत ज़्यादा पीसेस हम इसमें नहीं डालेंगे। चलिए अब हम इसे पलट देते हैं। जब हम चिकन को डालते हैं उस वक्त हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे। ये अच्छे से एक तरफ से कुक हो गया है और अब हम इसे पलट कर भी कुक करेंगे। हमने पलटते वक्त फ्लेम को धीमा कर दिया है कि हमने सारे पीसेस को पलट दिया है। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन फ्राई करेंगे। चलिए हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे 1-1 करके प्लेट में निकाल देते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। 1-1 करके हमने सारे पीसेस को निकाल लिया है। दूसरा बाइट डालने से पहले तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही हम अपना दूसरा बाइट डाल देंगे।
ये देखिए दूसरा बैच भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसे दोबारा फिर से फ्राई करेंगे। इसके लिए हम तेल को तेज़ गरम करेंगे। ये देखिए तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। अब एक एक करके हम सारे पीसेस को इसमें डाल देंगे। और इसे 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, फ्राई करेंगे। हमें इस वक्त ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, बस इसे 1 से 1.5 मिनट तक ही हाई फ्लेम पे कुक करना है। ऐसा करने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है। अब हम एक एक करके सारे पीसेस को प्लेट में निकालेंगे। हमने सारे पीसेस को प्लेट में निकाल लिया है। चलिए अब हम इसे आपको काट कर दिखाते हैं कि ये अंदर से कितना जूसी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए ये ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही जूसी है। आप इसे इफ्तार में बनाकर एंजॉय कर सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।